ये साग इको है सर फॉरेन शो यूनिट का है छो सफी लाइक से जरा जिस इसका ये पान ये नोट बुक है 2025 वर्ष पान ऑल मन कितना तो टाइम था सर शो 24 24 इस टाइम इसमें से नियर स्पाइसेस पानी पानी का जाए तो इंडस्ट्रियल स्पीड 15 क्या क्या होता है तो ये शो से नीचे मल्टी मल्टी मून सर अच्छा क्या शो या दोबारा कहना चाहता हूँ जवाब से मुतमईन है असल अगर हम इनफॉर्मल टेस्टिंग के लिए वो टेस्ट कराना चाहते हैं जैसे कि हमारे पास एक टेस्ट है देखते हैं कि जब भी हमारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं इज आर के बारे में एक अलग प्रोग्राम हो जाए अवेयरनेस अबाउट द शेड्यूल 4 हमें जान के चलना है कि क्या पजल शहरी हो हम लोग आज यहाँ पे हैं इस मतलब में हम कल पता नहीं क्या होगा कहाँ होंगे तो हम जैसे लाइसेंसेस का मतलब क्या होता है किस तरीके से फूड बिजनेस को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है या क्वालिटी ऑफ फूड जो है स्टैंडर्ड ऑफ फूड जो है उसको किस तरीके से मेंटेन किया रखा जा सकता है लोगों को ये जानकारी देने के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स भी जो है वो सरकार की तरफ से बिल्कुल इस वक्त प्रैक्टिकली ग्राउंड पे चल रही है और इन सब की जानकारी देने के लिए हमने ये मुनासिब समझा एक तो इस वक्त ऑनलाइन चलता रहता है ये चाहे सोशल मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो उनकी वसादत से भी हम लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचाते रहते हैं लेकिन हमने सोचा कि ज़्यादा मुनासिब ये रहेगा कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम जाके वहाँ पे हमारे जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स होंगे या बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स मुख्तलिफ़ किस्म के चलाते हैं फूड रिलेटेड इंडस्ट्री के उनसे हम डिस्कशन कर लेंगे उनसे जानकारी हासिल कर लेंगे कि उनकी भी क्या मुश्किलात हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से किस किस्म की सहूलियात उनको मैसर होनी चाहिए ताकि वो अपने ये जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको क्वालिटेटिवली भी अच्छा बना सकेंगे और मार्केट ड्राइविंग जो है वो प्रोडक्ट्स वो भी बन सके। इसी तरीके से आज का जो ये प्रोग्राम है पहले हमने आगाज़ किया गांदरबल से ही इस वजह से क्योंकि आगे तो यहाँ पे यात्रा तो शुरू हो रही है गांदरबल और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हमारे वो ऐसे रूट्स हैं जहाँ से अमरनाथ यात्रा का गुजर होता है तो इसलिए हमने सोचा कि 29 से पहले तो एक हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल कवर कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग बाद में हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है J&K के उनमें भी ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। देखिए एक चीज़ है जहाँ तक रेट की बात है रेट कंट्रोल इसमें आता नहीं है रेट कंट्रोल की दूसरी बात होती है अलबत्ता क्वालिटी ऑफ फूड जो है ये फूड स्टैंडर्ड्स जो एक्ट है जो यहाँ पे लागू है एक सेंट्रल एक्ट है पहले से ही लागू था उसमें ये देखा जाता है कि क्वालिटी ऑफ फूड कैसी है और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अब एक और स्टेप उठा लिया जो 28 तारीख से भी शायद शुरू हो रहा है तत्काल तरीके पे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस इशू की जाएगी। अगर अनरजिस्टर्ड है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है वो अगर कुछ भी बेच देगा तो हो सकता है गॉड फॉरबिड कुछ अनटॉवर्ड भी हो सकता है अगर वो उस तरीके का तो इस बारे में तो हमारी अभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के साथ मीटिंग की है हम उनके जो भी इशूज़ होंगे जो भी कंसर्न्स होंगे हम उनको सुनेंगे उनको अटेंड करने की कोशिश करेंगे।